लो गिनो भाई, वैसे तो ज्यादा लेंदे खले मेरे को है। और थोड़े खर्चे ठीक है ओके जी। भाई जैसे कपड़े आप कमाल के जैसे आप कहेंगे ना ये आपको सिलाई करके देंगे, और होंगे लेडीज वाले ही, उन्होंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया तो इतनी बजट नहीं था उनके पास स्पेशली। अच्छा कलर इस दफा सी मंगवाए ना माशाल्लाह बड़े प्यारे आए ना, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो एडिट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर लो भाई। शाम का टाइम हो चुका है, टाइम मैं आपको बता देता हूँ भाई, टाइम हो गया है जी 4:53, यानी कि अभी मिस्त्रियों की छुट्टी का टाइम बस थोड़ी ही देर में होने वाला, तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट में छुट्टी कर जाएंगे। और मौसम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, बारिश हो गई है जी स्टार्ट, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है ना लगी हुई है। डर था कि बहुत तेज़ में स्टार्ट हो जाए, पहले हल्की हल्की आंधी चली है फिर जो है ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। फर्श आप देख सकते हो गीला हो रहा है तो मतलब बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। और मिस्त्री भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं, फ्रंट वॉल की तरफ आ गए हैं, बाकी चारों साइडों से जो है ना ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई हैं। और भाई डोर फ्रेम भी हमारा स्टैंड कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया है, और कुछ इस तरह से लग रहा है भाई। अब भाई जो है ना अंदर सर्वे कर रहे हैं कि क्या कैसे बन रहा है, तो इस तरह से ये भाई सारा बन चुका है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। मेन डोर का ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि भाई आपको कैसा लग रहा है। बाकी बारिश में मिस्त्री लगे हुए, मिस्त्रियों के तो मज़े हो गए हैं भाई, मौसम हो गया ठंडा, नहीं तो भाई बंदे को हिलने की हिम्मत नहीं होती थी। और मुझे थोड़ी थोड़ी टेंशन भी थी कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए तो जो अभी ताज़ी ताज़ी दीवार बनी है ना उसके ख़राब होने का रिस्क था, लेकिन भाई इतनी तेज़ नहीं हो रही कि बिल्कुल ही सब कुछ बह जाए, बस अल्लाह करे इतनी ही हो जाए ताकि मौसम भी ठंडा हो जाए और मेरा नुकसान भी ना हो। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं कल क्या प्रॉब्लम, बल्कि कल तो है जुम्मा, कल है मिस्त्रियों की छुट्टी। और मुझे भी अल्लाह का शुक्र है भाई, बड़े मुश्किल से अल्लाह करके ना एक दिन मिलेगा जी थोड़ा सा सोने का भी, रेस्ट करने का भी, और इन सारी टेंशनों से दूर रहने का भी। नहीं तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है, उसको ठीक करने के चक्कर में ना मैं थक जाता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर चोट लगी है जी, तराई कर रहा था और गिरने लगा और पाँव स्लिप हो, और ईंटें आपको पता इतनी को खस्ता और खुरदरी होती हैं ना, रफ सी होती हैं कि ज़रा सा ऐसे रगड़ आ जाना छिल के रख देती है, तो वो भाई लगी और पाँव मेरा छिल गया फिर से। बाकी अल्लाह खैर करेगा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और काम की भाई ये प्रोग्रेस है, आसमान कितना प्यारा बना हुआ है। छुट्टी का टाइम हो गया मिस्त्रियों की ना, साढ़े पाँच बजे आज छुट्टी कर रहे हैं। आज मौसम ठंडा था लेकिन चलो मसाला मिस्त्री मजदूर कम बनाते हैं जाके टाइम से छुट्टी मारे। अच्छा भाई बाकी मिस्त्री सारा कुछ भूल जाते हैं पर दिहाड़ी लेना नहीं भूलते हैं। चलो गिनो भाई, वैसे तो ज़्यादा लेंदे खले हो मेरे को हैं, और थोड़े खर्चे ठीक है ओके जी। भाई को ना 50,000 आज दिया है और तकरीबन 72,000 जो है ना पहले दिया हुआ है, मतलब 1,00,000 तकरीबन 22,000 रुपया जा चुका है। चले भाई मिस्त्रियों को उनकी मजदूरी दे दी है, जैसे कि आप सबको पता ही है हर जुमेरात के जुमेरात मतलब लेते हैं जुमे को, फिर उनकी छुट्टी होती है, हफ्ते को फिर आ जाते हैं। तो आज भी भाई 50,000 उनको दिया है, और उनके जाने से जितनी मुझे खुशी हो रही है ना इतनी उनको भी नहीं होगी कि वो छुट्टी करके जा रहे हैं। मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि यार कल का दिन रेस्ट करने को मिल जाएगा, थोड़ा सुकून कर लूँगा, नहीं तो काम पे काम बंदे के ना मत मारी जाती है। शुक्र है भाई कल का दिन रेस्ट होगा, कल का दिन जो अपने पर्सनल घर के काम होंगे, मतलब हैं तो ये भी घर के काम लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कंस्ट्रक्शन से हट के भी बहुत से काम पेंडिंग में पड़े हैं जो कि मैंने करने होते हैं, लेकिन इन कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से वो नहीं कर पाता, तो इंशाल्लाह कल के दिन मैं वो भी कम्प्लीट कर लूँगा और थोड़ा रेस्ट भी फिजिकली करने को मिल जाएगा। इतना मुझे यूनिवर्सिटी में भी खुशी नहीं होती थी कि वीकेंड आ गया, जितना अब मुझे खुशी होती है कि जुम्मा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह हो गई है, दूसरा दिन हो गया है जी स्टार्ट, और जैसे कि आप सबको पता है भाई जुमे वाले दिन जो है ना मजदूरों की छुट्टी होती है, मिस्त्रियों की छुट्टी होती है, रेस्ट डे होता है उनके लिए भी और स्पेशली तौर पर मेरे लिए भी। तो आज भाई घर बिल्कुल खाली खाली पड़ा, लेकिन भाई माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मिस्त्री मज़दूर इतना जल्दी काम करेंगे, लेकिन भाई जैसे कि आप सबको पता है ठेके का काम है, तो ठेके के काम जो है ना ठेकेदार खींच के रखता है मजदूर मिस्त्री नू, तो इस वजह तो ना फिर काम जो है ना हमारा जल्दी होता रहता है। खैर मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजिंग्स करवाई थी, एक तो भाई ये विंडो रखवाई है, ये चेक करो इस साइज़ की, और दूसरा जो है ये वाली विंडोज़ जो है ना मज़ीद बड़ी करवाई हैं। कैसे करवाई हैं मैं आपको बताऊँ, पहले यहाँ से ले कर यहाँ तक थी, अब जो है ना इस साइड से ले कर यहाँ तक विंडो होने वाली है, ये वाली ईंटें जो है ना नीचे वाली निकल जाएंगी।
तो विंडोज चौड़ी भी हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी। और ये वाली विंडो जो है ना, अभी वेंटिलेशन के लिए रखी थी, अभी तो आपको ये छोटी सी ही लग रही होगी, लेकिन ये भाई छोटी सी नहीं है। वो कैसे वहाँ आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक ये विंडो है भाई, और नीचे से एक दो तीन कितने वार निकलने हैं, तकरीबन जो है ना, एक दो तीन चार वार नीचे से और निकल जाने हैं। तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये वाली विंडो भी बन रही है। नहा धो के मैं हो चुका हूँ जी फ्रेश, और अभी भाई अम्मा बना के लाई हैं जी चाय, तो साथ में भाई गर्मा गर्म चाय पीते हैं। भाई जिस दिन मिस्त्रियों की छुट्टी होती है ना, मैं कहता इतना गर्म सुकून रहता है ना, वो जिस दिन तो ढेर मिस्त्री आ जाते हैं ना, जैसे तीन तीन चार चार लग जाते, उस दिन तो घर में ऐसे खलबली सी मची होती है, पता नहीं समझ नहीं आ रही होती, वो तेज तेज काम करते हैं भाई, ठेके का काम है ना, तो उन्होंने ज़रा नहीं लिहाज करना कि दीवारों की तराई नहीं हुई तो भाई तराई कर लें फिर काम स्टार्ट करना है, उन्होंने आगे जुड़ जाना है। फिर बंदे को ना खुद ही बंदा फंस जाता है कि उनको तराई भी करके देनी पड़ती है और सारे जो ना सामान भी पूरा करके देना पड़ता है। आज भाई सीमेंट भी ख़त्म हुआ है, वो भी ऑर्डर करना है, एक दो चीज़ें और भी हैं जो ऑर्डर करनी है, ईंटें भी मंगवानी है। आज मैं जा रहा हूँ तो ईंटों वालों से भी मिल के जाऊँगा, अगले दिन उसको थोड़े से पैसे लेट हुए और भाई ने ईंटें नहीं भेजी थी, ये हालत है। हमने एडवांस में उसको पैसे पहले दिए हुए थे, तो उससे भी जाके बात करता हूँ कि थोड़ा शर्म लिहाज करो कि 30 अभी तक तकरीबन भाई 40,000 ईंट आ चुकी है और अभी और भी आनी है, तो उससे जाके कहूँगा कि भाई लेते रहे फिर ठीक है, थोड़े से लेट हो जाए तो तू ईंटें नहीं भेजता। उससे जाके भी बात करता हूँ, सीमेंट भी ऑर्डर करनी है और भी तो घर के कुछ चीज़ें हैं वो भी ख़रीदनी है, और आज शायद बाजियासे की तरफ भी मैं जाऊँ। हाँ जी जाऊँगा, घर में हुए ना तो जाऊँगा। वो अक्सर ना गांव चले जाते हैं, उनके मतलब रिश्तेदार हुए बिरादरान, उनके रिश्तेदार गांव में रहते हैं तो उधर चले जाते हैं, अगर तो ना गए हुए तो फिर इंशाल्लाह आज उनको भी मिल के आऊँगा। और मेरा थोड़ा सा प्लान है कि मैं आज शॉपिंग भी थोड़ी सी कर लूँ। तो अभी बस मैं सिटी के लिए निकलने ही लगा था और गाड़ी से कपड़ा शपड़ा उतारा, इसको साफ़ किया, और ये वाला टायर जो है ना भाई हवा कम करके खड़ा है, मतलब ये पंचर है। तकरीबन पाँच से सात दिन नहीं बल्कि डेढ़ हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया सिटी का चक्कर नहीं लगा, गाड़ी भी कहीं नहीं निकाली, तो डेफिनेटली ये खड़ी रही है, पंचर थी, हवा निकालती रही है। जब चलती रहे ना चीज़ तो वो प्रेशर बनता रहता है दोबारा से अंदर ना, मतलब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है तो कम हवा निकलती है, लेकिन ये खड़ी रही है तो हवा निकल चुकी है। सबसे पहले टाउन जाऊँगा, इसका पंचर लगवाऊँगा, और फिलहाल तो भाई इस पंप की मदद से इसमें हवा भर लेते हैं ताकि टाउन तक चली जाए, वहाँ से फिर इसका पंक्चर लगवा के फिर सिटी के लिए निकलूँगा। पंप से हवा भरी बिल्कुल कम थी, बस हो गई, लग ही नहीं रहा कि बंदा नहा के जा रहा है यार, हद हो गई, सत्यानाश हो गई। कपड़ों की भी साफ़ करनी पड़ी, पहले कर लेनी चाहिए थी, और पसीना इतना आ गया ना अंदर ना पूछें। हाँ उठा लिया मैंने। चले भाई सबसे पहले जल्दी जल्दी टाउन पॉइंट में, इससे पहले फिर हवा निकल जाए, इसको पंक्चर लगवाते हैं। चले भाई शॉप पे मैं आ गया हूँ, और भाई लोग जो है ना छुट्टी करने वाले थे, अभी टाइम क्या हो गया भाई 11:20 हो गए, जमात जुम्मा जो है ना तकरीबन 2 होती है, बड़ा टाइम है अभी, तो भाई बस छुट्टी करने लगे थे तो मैं पहुँच गया हूँ, तो भाई अपना जाने वाला ही है। भाई जब से नए टायर डलवाए हैं ना, ये कील लगा हुआ नज़र आ रहा है ये चेक करो भाई पहला पंक्चर आज हुआ है, और ये भी खड़ी रही है तो पंक्चर हुआ है, कील लगा हुआ था, हवा निकालती रही है स्लो, अब शुरू हो गए हैं ना तो अब यार हफ्ते में कोई ना कोई निकला करेगा, अल्लाह खैर करे यार, पंक्चर ना हो बड़ा सुकून रहता है गाड़ी का। पंचर्स की 2 होती हैं, एक वो सुए की मदद से जो ऊपर से ही बाहर से ही लग जाता है, टायर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वाला जो लग रहा है ना पक्का पंचर, इसको पक्का पंचर बोलते हैं, ये ना प्लास्टिक में जो होती है ना ट्यूब वो लगा के उसके ऊपर फिर ये हीट की मदद से ना इसको सही से प्रेस करते हैं, और ये वाला भाई कील लगा हुआ था, आराम आराम से हवा निकाल रहा था तसल्ली से।
अच्छा भाई, तो पंक्चर मैंने लगवा लिया था, बस इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं जी सिटी। और यहां पे भाई रोड पे काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, मतलब हमारे तरफ बारिश बहुत कम हुई है, मतलब बूंदाबांदी ही हुई थी हमारी तरफ तो, लेकिन इस तरफ रोड पे ना काफ़ी जगहों पर पानी खड़ा हुआ था, तो इधर बारिश अच्छी खासी हुई है। तो इंशाल्लाह बस 5 से 7 मिनट में जो है ना भाई मैं सिटी पहुँच जाऊँगा, और कुछ सामान खरीदना है, वाजियासी की तरफ जाना है, और एक दो और घर के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो देखनी है, तो बाकी सारी जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ सिटी पहुंच के शेयर करता हूँ। पहुंच गया भाई, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, जो एक दो काम थे वो मैंने कर लिए, बाकी ये कुछ भाई मैंने फ्रूट्स खरीदे थे, मैंने कहा आज ना लगे आपको ना भाजी से को आम और सेब भी खिला ही देते हैं, तो अभी चलते हैं भाई सिस्टर के घर। फाइनली भाई भाजी से के घर पहुंच गया हूँ। सबसे पहले भाई इधर रही भाजी से, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने कहा भाई आपको घर की अपडेट दे के आता हूँ, पता नहीं क्या बड़ी खुशी है। नहीं मैं आपको सही समझाता हूँ कि करके बात कहाँ तक पहुँची, तो उसका भाई ना काम कर करके ना मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैंने कहा आपको कपड़े भी ले आता हूँ भाई, जब से काम स्टार्ट किया ना मैं ना असल में ना भाई काम चल रहा है ना, मैं जो कपड़े पहने होते थे ना उन्हीं में लग जाता था कि कर लूं बस काम, वो ना सारे कपड़ों पे दाग लग गए, तो अब जो है ना मिट्टी वट्टी वाला काम कपड़े तो खराब होंगे। तो आज जो है ना भाई अभी जुम्मा इतनी ज्यादा खीर गर्मी दी हुई पई है भाई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नमाज का टाइम हो रहा था, नमाज पढ़ गया था, उसके बाद भाई खाना पीना करेंगे, खाने में कुछ खास है ये वही? चले जब खाएंगे तो आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह, मैं भी खाना ही खाने आया, तो फिर उसके बाद भाई कपड़े पहले नमाज पढ़ते हैं फिर खाना खाएंगे, मेरे बाल इन पढ़ाइयां दे बस मुड़े दी वजह तो वरना दिल मेरा हाय कि अम्मा कर लिए वसीम कर ले, मैं जाके उठे महीना करवा, सही बात, चला कोई चल रहा काम तो बस चल ही जा रहे हैं। हां जी हां जी, तो सबसे पहले जो ना भाई नमाज पढ़ के आते हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर इंशाल्लाह बाजार जाएंगे जी, कपड़े भी देख के आते हैं, कोई पसंद आते हैं तो वो भी खरीदेंगे। एक और बड़ी मैंने न्यूज़ सुनी है, मैं अपनी वीडियो में भी देखी है, हां जी बिल्कुल, कपड़े का कोई काम शुरू कर लिया है, कोई ना कर भाई बाकी कर लिया है, शुरू भी कर लिया, हां जी दिखाओ ना, मैं लेके भी आई खलियां पे, तो सभी सारी प्रमोशन वगैरह करो तो सारे कपड़े दिखाओ तो देखो भी सही, देखो जो आपने भाई खरीदो भी सही। हां एक सूट तो मुझे दे देना लेडीज, सही का ये देखो माशाल्लाह ना कपड़ा बड़ा अच्छा आया, मैं तो इन भी खैनी है, मैं एक सूट सिलाई किसे तक ये भाई इस तरह का ये डिजाइन है लाइम लाइट, ये आपने सुना ही होगा, बड़े प्यारे कलर हैं, ये चेक करें ना, दूसरा भाई ये है लाइट चेक करेंगे ना, मैं ना एक सूट भी सिलाई कीता है नाल दा, किसे मेरे को खरीदिया भी है और ना सिलाई भी मेरे को भी करवाया, ठीक है ना, तो माशाल्लाह ना बड़ी ना उदी ना एक नफा सा लोग का ये कौन सा सिलाई किया है मैं दिखाती हूं, हां वही दिखाना, ये देखे ना बेस के माशाल्लाह इतने प्यारा दुपट्टा है ना, नहीं वाकई में ये दुपट्टा मुझे पसंद आया, मैंने देखते ही बहुत पसंद आ गया ना, पसंद कपड़ा भी अच्छा है, ये देखें ये इसकी शर्ट है, तो ना शलेंग भी किया है इसकी, मैंने सिलाई भी की है, सिलाई हुआ है ये माल बड़ा दूर से आया है, नहीं सिलाई कहाँ हुआ है, सिलाई वाला वो दिखाती हूँ, अच्छा तो ये हुआ है, ये नहीं हुआ, ये तो वैसे मैं आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई आप में से किसी ने अगर कपड़े खरीदने हो ना, बेशक वो ओवरसीज में हो या पाकिस्तान में हो, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं इनके ना वो मतलब इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं आपको नंबर या इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक दे दूंगा। नाइस भाई बड़ा प्यारा लग रहा है, ये चेक करो नाइस, लेडीज वाली चीजें हैं तो भाई ये तो लेडीज समझ सकती हैं, लेकिन काफी प्यारा लग रहा है, अभी बटन वगैरह लगने हैं, हां जी बटन इसके ऊपर लगने हैं, ये देखो पलटा लगा के इस तरह मैंने बेस की को सिलाई की है, बड़ा प्यारा, ये देखें ये चाकू पे भी मैंने सिलाई करने में तो आप एक्सपर्ट हैं, हां ये चाकू पे ऊपर मैंने पलटा लगाया है, इस तरह पट्टी लगाई है, ये बॉर्डर इन्होंने नीचे दिया हुआ था ना उसी की मैंने ये पट्टी लगाई, नहीं प्यारा लग रहा है जबरदस्त,
लाजमी भाई किसी ने भी खरीदने हो तो आप इनसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप जो भी होगा इनका ना आपने रब्ता कर लेना है और ऑर्डर कर लेना है। सबसे बड़ी सहूलत भाई सिलाई करवा के आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कपड़े आप कमाल के जैसे आप कहेंगे ना ये आपको सिलाई करके देंगे और होंगे लेडीज वाले ही तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनको भाई एक और चीज भी भाई ख्याल रखिएगा, इनका भी नया नया काम है तो इनको मतलब पेमेंट्स वगैरह अगर आप अपनी मतलब आप अपनी पसंद के कपड़े लेना चाहते हैं तो आप इनको पेमेंट कर दीजिएगा, ये मार्केट से कपड़े अच्छे वाले लेके अगर भाई कोई भाई कपड़ा ना वसीम माशाल्लाह भाई गवाह। नहीं 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 उस चीज की टेंशन ना लें कि आपके पैसे इधर उधर होंगे, बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन्होंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया तो इतनी बजट नहीं था उनके पास, तो आप लोगों को अगर कोई अच्छा कपड़ा चाहिए होगा ना तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देनी है, ये मार्केट से कपड़ा लेंगे उसको फिर सिलाई करेंगे और फिर वो आपको भेज देंगे, तो मतलब घर बैठे आप तक डिलीवर हो जाएगा, बाकी वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, पैसे आपने देते जाने और चीजें आप तक पहुँच दी जाने। नहीं सच में सीरियसली मुझे तो ऐसे ही कलरफुल कपड़े ना वैसे ही अच्छे लगते हैं, ये तो स्पेशली अच्छे कलर इस दफा सी मंगवाए ना माशाल्लाह बड़े प्यारे आए ना। सही बात, ये कपड़ा भी आप इसको ही देख लो बहुत अच्छा, ये देखो इसके ऊपर मैंने बैंड भी लगाना है अभी तक रहता है, इसके नीचे जो बेल्ट है वो भी मैंने लगाना है, बाकी ये शर्ट जो है ना मुकम्मल है। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कामयाब करे अल्लाह आपको, आमीन। और चल हमेशा की तरह खाना भाई लग चुका, नमाज पढ़ के मैं आ गया हूं और हर बार की तरह जुम्मे के जुम्मे वही पुलाव इस बार भाई ना, अच्छा ये हर बार कोई ट्राई करती है डिफरेंट बनाने की। हां बिल्कुल पता है कि ये असली ना एक और भी कोशिश की थी करने लगी हैं भाई इसका ढाबा बना लिए। अच्छा ऐसे कोई पार्सल इस तरह ना ऑनलाइन पार्सल शुरू कर दो इस तरह ना ये काम भी शुरू कर। नहीं ये बेस्ट है, हां ये कपड़े वगैरह मेरे ख्याल से थोड़े औखा काम, यकीन मान ले पूरे शहर में ना कहीं से अच्छी बिरयानी नहीं मिलती आप बना के बेचेंगे। मुझे पुलाव जी ने मिले उन और के चाहिए। सही बात, अच्छा भाई आज जो है ना ये कोई देगी पुलाव टाइप का बना हुआ है और काफी मजे का लग रहा है, मैंने भाई ट्राई कर लिया तो अभी भाई खाना खाते हैं। सीधी बात है मुझे भूख बड़ी लगी हुई है तो इंतजार नहीं हो रहा, बगैर टाइम वेस्ट किए खाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी भाई देख लें कुछ इस तरह से इसका निष्कारे मार रहा है पुलाव नहीं मजेदार बिल्कुल ना, देगी फीलिंग आ रही जैसे देग वाला पुलाव होता है, जबरदस्त। चले मैं अभी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। टाइम जो है ना 4:20 हो चुके हैं भाई और अभी बस मैं वापस घर के लिए निकलने लगा हूँ, कुछ भाई मेडिकल स्टोर से वहाँ की मेडिसिन लेनी थी और कुछ वो कैल्शियम की टैबलेट्स जो थी CAC 1000 करके जाके दिखा था, आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट लेके जा रहा हूँ और वो मैंने भाई ये ले ली है, अभी अभी लेने हैं जो टिश्यूज़ और ग्रोसरी स्टोर पर चलते हैं, वहाँ से कुछ और सामान ज़रूरत की चीज़ें नज़र आ गई जहन में आ गई तो वो भी साथ में ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस घर के लिए निकलते हैं भाई। अब बस भाई इतनी है ना, आज शुक्र है यहाँ पे बादल हैं हल्के हल्के सिटी में, मतलब गर्मी तो है ही है ना लेकिन ये है कि वो जो शिद्दत वाली गर्मी होती है ना वो नहीं है, अब बस तो वो कहते हैं ना अंत की है। टाइम जो है ना भाई 5:30 हो गए हैं, मिस्त्री मजदूर चले गए हैं, हाँ छुट्टी थी भाई अब ये बात नहीं भूलती मुझे। अच्छा भाई तो अभी बस घर पहुँचा हूँ और वाजिया से भी आपको सलाम दे रही थी और ये कोई सामान ले कर निकालें भाई, ये टिश्यू ले आया हूँ और ये आपकी मेडिसिन है और ये भाई इस बार फिर हाजमे की गोलियां ले गए हैं लेकिन चेंज करके ले आया हूँ, इस बार भाई अनार दाने वाले भी आए हैं, पता नहीं अब इनका टेस्ट कैसा चेक करेंगे, ये लाया हूँ और पहले भी मैं लेके आता रहा हूँ CAC 1000 तो इस बार ना मैं ये लेके आया हूँ ये एबोकॉल ये भी अच्छी कंपनी की है, ये एबॉट कहते हैं या एबट कहते हैं पता नहीं, तो इसमें भी मतलब ये बोन्स के लिए थी अच्छी थी, विटामिन सी था, B6 था, D3 था, कैल्शियम था और ऑरेंज और लेमन फ्लेवर था, तो ये वाले इस बार लेके आए, मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखते हैं ये कैसी होती है, तो ये सामान लेके आया हूँ और सीमेंट वाले के पास गया था जुमा था वो दुकानें बंद थी, ईंटों वाले के पास गया हूँ उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे के आया हूँ और उसे कह के भी आया हूँ कि टाइम से अब ईंटें पहुँचाए लेट ना करें, हाँ हिसाब नहीं किया लेकिन मैंने उसको बताया वो कहता इतने ही हैं तकरीबन, हाँ वो ना मुंशी उनका नहीं था, जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है ना, खुद बैठे थे मालिक, तो इस तरह से भी सारे काम हो चुके हैं भाई। बाकी फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी खत्म, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से फिर वही भाई घर के काम और आगे नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आगे क्या क्या होगा, तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, काफ़ी इंटरटेनिंग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंजॉय करने वाली और काफ़ी दिलचस्प वीडियोज़ आगे होने वाली हैं, तो लाजमी देखिएगा कल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।